सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी और यहाँ पर हम आज मौजूद हो गए हैं कैप्सूल नंबर 29 के साथ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बल जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखकर लग रहा है कि एग्ज़ाम में आपके अभी एक दो महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन एक दो महीने के समय को हमें सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए अपनी सफलता को श्योर करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एमपी जीके और साइंस में अच्छा स्कोर करना होगा। जब आप इन दो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे तो मैथ्स रीजनिंग का स्कोर आपको तभी फ़ायदा देगा, क्योंकि जो लड़कों का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है लेकिन मैं साइंस और एमपी जीके में अगर वो प्रश्न पत्र को छोड़ कर आते हैं या उनसे नहीं बनता है तो वो पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं कंपटीशन में। तो इसकी तैयारी आप हमारे कैप्सूल वीडियो से कर सकते हैं। अभी तक हम 29 कैप्सूल वीडियो क्रिएट कर चुके हैं जहां पर लगभग हमने 1500 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे कैप्सूल वीडियो एक साथ अपलोड किए गए हैं जहाँ से उनको आप देख सकते हैं। साथ ही अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क के नाम से रखा गया था, जो कि सिवनी जिले और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। सांखे सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो है सांखे सागर झील मौजूद है, जो कि शिवपुरी जिले में मौजूद है। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में एक सूर्यास्त पॉइंट है जहाँ से सूर्यास्त का दृश्य काफ़ी मनोरम दिखता है। सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? तो सांबर जो है सबसे बड़ा भारतीय हिरण माना जाता है। मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में किसका खनन किया जाएगा? तो किया जाएगा नहीं किया जाता है, तो मतलब हीरा जो है वहाँ पर खनन किया जाता है मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो होशंगाबाद वो जिला है जहाँ से हमें टंगस्टन की प्राप्ति होती है। कोरंडम किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो है कोरंडम है। ग्वालियर का संतोवा पनिहार क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह अयस्क के लिए ग्वालियर का संतोवा पनिहार क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश ऊर्जा विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई? तो 1977 वो साल था जब मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई? तो छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी हम इसे कहते हैं, बुरहानपुर वो जिला है जो पावर लूम के लिए जाना जाता है। RRCAT या राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर मौजूद है? तो ये इंदौर में मौजूद है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको आपको ध्यान देके चलना है। राजा भोज की भोजशाला किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो ये प्राचीन समय में संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, राजा भोज की भोजशाला, जिसमें अभी हिंदू मुस्लिम का विवाद बना रहता है क्योंकि वहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है और मंदिर भी बना हुआ है सरस्वती जी का, ठीक है। तो वहाँ पर सरस्वती जी का पूजन करते हैं हिंदू लोग और मुस्लिम लोग अपनी मज़ार पर करते हैं, तो ये इसलिए वहाँ पर थोड़ा कई बार विवाद बन जाता है, भोजशाला विवाद जो कहलाता है। चंदेल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नानुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर लेते हैं, भोपाल के नवाब कौन थे? तो फैज मोहम्मद खान जो थे भोपाल के नवाब थे। किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा? वॉरेन हास्टिंग्स ने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा। मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई? तो 2004 से मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना शुरू की गई। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रत्नेश पांडे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर भारतीय राष्ट्रीय गान किया था। ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ, जिनका अमेरिका में भी आश्रम बना हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। भगवत रावत कौन थे? तो एक प्रसिद्ध कवि का नाम भगवत रावत था जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे।
ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया लगभग लगभग 5 मिनट में, और हम 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 से लेकर 50 तक हम आप साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द बायोलॉजी, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में लार जो है मददगार साबित होती है। शरीर के किस भाग में पाचन एवं श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? तो ग्रसनी वो जगह होती है जहाँ पर पाचन एवं श्वसन पाइप जो है एक दूसरे को काटते हैं। कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? तो लीवर या यकृत जिसे हम बोलते हैं, वो एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। पाचन के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के दौरान प्रोटीन का परिवर्तन जो है वो एमिनो एसिड में हो जाता है, एमिनो अम्ल में हो जाता है। कई बार रनिंग करने वाले या एथलीट जो होते हैं वो डायरेक्ट एमिनो एसिड का सेवन करते हैं अलग अलग मेडिसिन के फॉर्म में, ड्रग्स के फॉर्म में, तो उनमें एक एनर्जी एकदम से क्रिएट होती है। तो वो जो है ये प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो जब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन अब एथलीट को जल्दी से जल्दी एनर्जी चाहिए तो वो डायरेक्ट एमिनो एसिड ले लेता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किस अंग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बिली कहते हैं? तो वो छोटी आंत होती है जिसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बिली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोशिकाएं जो एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं क्या कहलाती हैं? तो उनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है? तो खाद्य रिक्ति का वो जगह होती है जहाँ पर अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है। ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इनको अच्छे से रट लीजिए। पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको कैप्सूल नंबर 1 से लेकर 30 तक की सारी पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही टेलीग्राम जो चैनल है वो SB स्टूडियो के नाम से है, मेरा फोटो लगा हुआ है वहां पे, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और आप ये स्टडी कंटेंट जो है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कैप्सूल नंबर 1 से लेकर 29 तक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवायवीय श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करके आना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो सुने नहीं होते हैं, तो मैं क्वेश्चन वो ही सम्मिलित करता हूँ जो कॉमन ना हो और जो आने की उम्मीद हो। तो रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक समूह प्राप्त करता है? तो वो समूह जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से मतलब है, ये सभी से ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, वो पॉजिटिव से ले सकता है, वो नेगेटिव से ले सकता है, सब से ले सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग सभी से प्राप्तकर्ता, मतलब सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से मतलब यूनिवर्सल, मतलब सभी से ले सकता है वो ब्लड, तो ये ए बी ग्रुप होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल रक्त कणिकाएं कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं, इसका क्या कारण है? तो माइटोकांड्रिया की वजह से ये कोशिकीय श्वसन नहीं करती हैं, यह इसका कारण है। ठीक है, लाल रक्त शरीर के अंदर थक्का नहीं बनाता है, इसकी वजह से अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जब घाव लग जाता है या चोट लग जाती है, हार्ड एंड ब्लंट शार्प जो भी अपन को चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वो जो ब्लड का थक्का बनता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से वो रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन ये जो खून है अगर वो बाहर जम रहा है तो ये शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं रक्त का थक्का बनता है? तो उसका कारण ये है कि इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हेपेरिन। हेपेरिन की वजह से जो है रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है भाई, लाल टमाटर खाएंगे लाल लाल हो जाएंगे, और टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो किस अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया है? तो सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचने के लिए बसें उपलब्ध कराई, भूखों को भोजन उपलब्ध कराया, और न जाने कितने गरीब लोगों की मदद इन्होंने अपने पैसे से करी, तो इसी के लिए फोर्ब्स जो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है उसकी लीडरशिप की जो अवार्ड है उन्होंने सोनू सूद जी को दिया गया है, जो कि एक जाने माने भारतीय अभिनेता हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं किसके द्वारा उत्पादित होती हैं? तो अस्थि मज्जा के द्वारा जो हैं लाल रक्त कणिकाएं उत्पादित होती हैं। ECG के द्वारा कार्य को क्या दर्शाया जाता है? मतलब
ईसीजी द्वारा किसके कार्य को दर्शाया जाता है? तो हृदय का जो बीट चलती है ना, हार्ट बीट चलती है, जो ऊपर नीचे रेखाएं होती रहती हैं, कर्व बनते रहते हैं, तो वो एक ईसीजी मशीन होती है जो हृदय के कार्य को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर लेते हैं। कौन सा अंग जल, वसा व दूसरे अपशिष्टों को उत्सर्जित करता है? तो हमारी जो किडनी होती है वो अपशिष्ट, मतलब जैसे जल हो गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब वसा हो गया, तो ऐसे अपशिष्टों को जो उत्सर्जित करती है तो हमारी किडनी होती है। अब आता है क्वेश्चन, एल्वियोली किसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो श्वसन तंत्र की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो वो है एल्वियोली है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर लेते हैं। एंजाइम का स्रोत डायस्टेट किसका हिस्सा है? मतलब एक एंजाइम का स्रोत है डायस्टेट, वह किसका हिस्सा है? तो वह एक लार ग्रंथि का, जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का जो फुल नाम है का आविष्कार किसने किया? तो विलियम एथोवेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ईसीजी मशीन का जो है आविष्कार किया, जिसकी वजह से हार्ट की जाँच करना आसान हो गया। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा, जहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं जाकर समाप्त हो जाती हैं, तो उसे हम लाल रक्त कणिकाओं का प्लीहा कहते हैं, जो 120 दिन इनकी आयु होती है लाल रक्त कणिकाओं की। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र में एक तत्व पाया जाता है जो हमारा यूरिन होती है, उसमें जो होता है यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो कभी कभी पीला हो जाता है। ठीक है, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, मतलब जो स्थायी नहीं होते हैं, गिरते हैं फिर नए दांत लगते हैं, तो वो ऐसे दांत होते हैं 20। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो तीन इस कान में, मतलब दो कान तो सबके होते हैं ना, तो उसमें 6 हड्डियां टोटल पाई जाती हैं कानों में। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी जो कहलाता है, लीवर का अध्ययन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है? तो मस्तिष्क के जस्ट नीचे जो होती है पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है। तो ये थे इति श्री रेवाखंडे 50 क्वेश्चन समाप्त स्वाहा। इति श्री रेवाखंडे हो गया है प्रेजेंटेड बाय SB स्टूडियो। हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं, 11 मिनट 12 मिनट जो भी हो। तो और भी कैप्सूल वीडियो अगर आपको देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अगले वीडियो का इंतज़ार करो। हो सकता है सैटरडे है कल, या आज कौन सा दिन है, जैसे कल फ्राइडे है आज, तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे या संडे को जो है न्यू एग्ज़ाम डेट आ सकती है, तो उसका इंतज़ार करो। अपन वीडियो बना के टाइट रहेंगे कल तक। अगर अपडेट आ गई व्यापम की साइट पे या PV की साइट पे तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। अगर वैसे सीधे नहीं जुड़ पा रहे तो जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लो SB स्टूडियो, मेरा फोटो लगा होगा उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, या फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज पर मैसेज कर सकते हो पर्सनल नंबर पर, तो मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।